देखो आधार सेंटर लेने के लिए आपको कोई भी मशीन पहले से खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरह का जो पहले आप मशीन खरीद लेगा तो आपका आधार सेंटर नहीं मिलेगा, तो क्या करना होगा। जो बंदा हमको कॉल किया था बहुत रोया था क्योंकि उसमें 2 लाख के ऊपर वो इन्वेस्ट कर चुका है। आधार कार्ड का जो मशीन होता है वो हाई कॉस्टली होता है, बहुत सारा पैसा भी लगता है। एक यहाँ पे लैपटॉप लेना होता है, जो 10 उंगलियाँ का जो स्कैन करना होता है, और आईरिस लगता है, और वेब कैम लगता है, इसमें काफ़ी सारा कॉस्ट भी आता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना सारा इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी डिवाइस नहीं खरीदना है, पहले आपको आईडी मिल जाए उसके बाद तो आप खरीद सकते। आज आपका आईडी मिल गया है आप तो कल मार्केट में जाके खरीद सकते, हो सके आप पुराना भी ले लिया नया भी ले लिया। तो इस तरह का हरकत आपको नहीं करना है, पहले आपको मशीन खरीदना नहीं है, पहले आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बता देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा खासा एक लैपटॉप भी यहाँ पे लिया है, और जो 10 उंगलियाँ स्कैन होता है, और आयरिस स्कैनर और वेब कैम ये भी साथ साथ ले लिया था, और प्रिंटर भी लिया था। टोटल उसका 2 लाख आसपास चला गया था ऐसा बात रहे था। तो अभी तक उसको आधार सेंटर नहीं मिला है तो बहुत रोया था। तो आपको इस तरह का गलती नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आपको मैसेज लेना है। देखो एक आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जो आधार सेंटर दिलाता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, कौन सा कंपनी ऐसा है जो आधार सेंटर दिलाता है प्राइवेट सेक्टर में, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन लोग देता है, कौन सा एजेंसियाँ ऐसा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आधार सेंटर प्रोवाइड करता है, उसके बारे में भी मेरा चैनल में काफ़ी सारा वीडियो है, आप जाके भी चेक कर सकते हैं। वो वीडियो देखो तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एक आधार सेंटर कैसे ओपन किया जाता है। कुछ ऐसा लोग है आधार सेंटर के चक्कर में बहुत सारा पैसा भी गंवा देता है, बहुत सारा पैसा ऐसा है वो बर्बाद करता है तब भी उसको आधार सेंटर नहीं मिला है। तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको सही तरीका उसको पता नहीं है, तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आधार सेंटर आपको लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मेरे चैनल में वीडियो है, आप जाके भी देख सकते हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, टेलीग्राम का एक ग्रुप है उसमें देखो यहाँ पे इस ग्रुप में हर दिन वीडियो पब्लिश होता है दिनेश त्यागी का शेयर का, और यहाँ पे जो आधार सेंटर के ऊपर हर दिन वीडियो देता रहता है। अचानक एक दिन उस ग्रुप में मैसेज आया था 5,000 दे दो आपका जो आधार सेंटर है ओपन किया जाएगा और आप आधार कार्ड में सभी काम कर पाएगा, ऐसा करके मैसेज आया था। और जितना लोग है सभी ने वो उसको पेमेंट कर दिया था, उसने नंबर दिया था, पेमेंट भी कर दिया था। पेमेंट देने के बाद वो ग्रुप भी डिलीट हो गया है, और कोई भी किसी को भी आधार सेंटर नहीं दिया है, वो टोटली फेक था फ्रॉड था। तो ऐसा आधार सेंटर लेने के लिए आपको किसको अनजान व्यक्ति को पैसा ना दे तो आपको देख के जानबूझ के गलतियां नहीं करना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के आपको पैसा देना है। देखो इस तरह का आपको पैसा दे के आपको आज पेमेंट करेगा कल आधार सेंटर मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है, तो आपको इस तरह का गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती से आपको दूर रहे। देखो आपके एक आधार सेंटर लेना है तो आपको कैसे ले सकते, देखो आप CSC के साथ लेगा तो बिल्कुल फ्री में ले सकते, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। CSC के साथ आपका जो आधार सेंटर लेने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपका CSC ID होना चाहिए, बैंक BC होना चाहिए जो CSC द्वारा प्रोवाइड किया है, इस तरह का जो बैंक CSP है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो CSP प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद आधार एग्जाम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल ID फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप एक आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC के साथ कैसे आधार सेंटर लेना है उसके ऊपर भी वीडियो मेरा चैनल में है, आप जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगा, वो भी आपको देख लेना है और उसी प्रोसेस फॉलो करके तो आधार सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे कार्बी डेटा मैनेजमेंट, इसके साथ भी आप एक आधार सेंटर ले सकते हैं। दूसरा आता है ETI के साथ भी आधार सेंटर ले सकते हैं, और भी यहाँ पे बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर है बैंक पोस्ट ऑफिस में भी आधार सेंटर मिल रहे हैं, तो इसके साथ भी आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा चैनल में वीडियो है, आप जाके भी देख सकते हैं। तो बस वीडियो इतना है, इस वीडियो देखने में थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएगा एक आधार सेंटर लेने के लिए आपको उस कंपनी के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, किस कैसे बात करना है, सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएगा।